मथुरा पुलिस इन दिनों एक्शन में दिखाई दे रही है। गुरुवार की रात थाना राया क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक अंतर्राज्यीय लुटेरा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, वहीं इसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। इसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, कारतूस और 1500 रुपए बरामद किए हैं। बता दें कि पिलखुनी गांव के पास एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड पर मुठभेड़ हुई है। इस दौरान थाना जमुना पार के गांव सेहोरा निवासी बदमाश जितेंद्र गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसके अन्य दो साथी भोली और प्रिंस भाग जाने में सफल हो गए। कायाकट के पास एक व्यक्ति से मोबाइल लूट लिया गया था तथा उसने उसके कुछ पैसे भी थे। उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इसमें पुलिस के द्वारा अपने मुखबिरों की सूचना पर उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र है, जो कि ग्राम सिहोर थाना जमुना पार का रहने वाला है, कुछ पहले ही जेल से छूट के आया था, उसको गिरफ्तार किया गया तथा उसके अन्य दो साथी फरार हो गए। अभी जब पुलिस जो है जितेंद्र को, जो उसका लूटा हुआ सामान था, उसको बरामद करने के लिए यहाँ एक्सप्रेसवे के किनारे लाई थी, तो वहां पर उस समय उसने जो अपना तमंचा छिपा रखा था उस पर पुलिस पार्टी पे फायर करके भागने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें कि इस जितेंद्र नाम का युद्ध है, इसके पैर में गोली लगी है। मौके से एक तमंचा बरामद हुआ है और उसके साथ जो है दो कारतूस। इसके अलावा लूटा हुआ माल जो कि मोबाइल है और पैसे हैं, वो भी बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्त को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की